क्या अनिल शर्मा गदर का सीक्वल लेके आ रहे हैं? आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, फिल्म गदर की बात करें तो सनी देओल और अमीषा पटेल ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी इस फिल्म से और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही है ये मूवी। फिल्म को आए हुए काफी साल हो चुके हैं और अब मेकर सोच रहे हैं कि इसका पार्ट टू भी लेके जल्द ही आया जाए। जी हाँ, अनिल शर्मा ने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन सोर्सेज की माने तो ये सुना जा रहा है कि अनिल शर्मा जल्द ही गदर का सीक्वल लेके आ रहे हैं। अगर हम इसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो अनिल शर्मा ने स्क्रिप्ट बना ली है और वो सनी देओल और अमीषा पटेल को कास्ट कर रहे हैं एक फिल्म में, लेकिन उसका टाइटल अभी तक रिवील नहीं किया गया। और तो और, अनिल शर्मा के बेटे ने भी फिल्म में काम किया था, जिस बच्चे का नाम था जीत, वो भी इस फिल्म में आपको नजर आएगा। अब देखते हैं कि कब अनिल शर्मा ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। वो रुके इसलिए हुए हैं क्योंकि उनका कहना ये है क्योंकि अभी अच्छा समय नहीं है फिल्म को अनाउंस करने का और ना ही हमारे पास फिलहाल समय है इसको शूट करने का, इसलिए इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। लेकिन अनिल शर्मा ने कर दिया है वादा कि जल्द ही आपके सामने वो सनी देओल और अमीषा पटेल को लेके जरूर आएंगे। अगर हम अनिल शर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो बिजी है अपनी फिल्म अपने टू में, जिसमें धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल को किया गया है कास्ट और उन्होंने ये आइडिया लॉकडाउन में सोचा था और उसकी रिलीज डेट भी हो गई है फाइनल। तो अब देखते हैं कि सनी देओल की फिल्म अपने टू को कितना मिलता है प्यार और क्या गदर का सीक्वल आपके सामने आएगा या फिर नहीं। आप अपना फीडबैक इस पे जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।